प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से ली गई है। आपकी हमारी प्रॉब्लम है प्रूव दैट कॉट इनवर्स 3-2 आयोटा अपॉन 3+2 आयोटा इज इक्वल टू 5/4 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू लॉग फाइव। हमारे लिए यह सिद्ध करना है एल एच एस में लिखा हुआ व्यंजक आर एच एस में लिखे हुए इस व्यंजक के बराबर है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम आसानी से एल एच एस से हल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम एल एच एस से हल करेंगे। तो हमने लिखा एल एच एस कॉट इनवर्स 3-2 आयोटा अपॉन 3+2 आयोटा। अब जैसा कि आप जानते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सिद्ध करने के लिए अनेकों सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम को सिद्ध करने के लिए भी हमें अनेकों सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। जिस जिस सूत्र का प्रयोग जहां जहां होगा वहां मैं आपको बता चाहता हूं। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, आपको जानकारी होगी कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x। तो इसी फार्मूले के आधार पर यदि इस पूरी राशि को x मान लिया जाए तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3+2 आयोटा अपॉन 3-2 आयोटा। क्लियर। इसके बाद आपने एक सूत्र पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1-xy बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स। इस सूत्र का प्रयोग तब हो सकता है जबकि यहां पर हर डिनोमिनेटर में जो है यहां पर वन होना आवश्यक है और यहां पर वन है नहीं, तो इसलिए इसको वन बनाने के लिए यहां पर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो हमें फल प्राप्त होगा टेन इनवर्स 1+2/3 आयोटा अपॉन 1-2/3 आयोटा। अब इस को हम इस फॉर्म में लाने के लिए ये तो हमारा यहां पर x का काम कर रहा है और ये 2/3 आयोटा जो है ये y का काम कर रहा है। यहां पर एक ये फार्मूले का आ गया और यहां पर ये y जो काम कर रहा है वो 2/3 आयोटा जो y का काम कर रहा है। यहां पर x आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर आपको x भी दिखाई देता रहे ये फार्मूला इससे बिल्कुल मिल जाए इसके लिए आपको प्लान और बढ़ानी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स 1+2/3 आयोटा अपॉन 1-1/2/3 आयोटा। अब ये आपका x हो गया, यहां पर ये x हो गया, यहां पर ये y हो गया, यहां पर ये y हो गया, एक सूत्र का आ गया, ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, इस सूत्र से बिल्कुल मेल खा रहा है। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसके स्थान पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1+tan इनवर्स 2/3 आयोटा। क्लियर। और जैसा कि आप जानते हैं टेन इनवर्स 1 बराबर होता है 5/4 के, ये आपको जानकारी होना चाहिए, होती होगी तो होता ही आपको जानकारी होगी इसकी, है ना। तो इसके स्थान पर टेन इनवर्स 1 जो आया है इसके स्थान पर लिख देंगे हम 5/4। और एक सूत्र होता है जब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को हमें हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से बनाना चाहें तो हम तब बना सकते हैं जबकि हमारा ये लिखा हो टेन इनवर्स आयोटा एक्स। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका हमारा बन जाता है आयोटा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो यहां पर जो है ये तो आयोटा जो सूत्र में आवश्यक है वो हो गया और यहां पर 2/3 जो है वह एक्स का काम कर रहा है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इतने फंक्शंस को इतनी चीज को हम देख सकते हैं प्लस भी आ जाएगा
आयोटा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 2/3। क्लियर। अब देखिए आप आरएचएस में देखिए, आपको पाइवेटिव फोर लाना था, वह आपका आ चुका है, यहां पर प्लस आना था, प्लस भी आ चुका है, आयोटा भी आ चुका है, और यहां पर आपका आ रहा है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 2/3, और जबकि आपको आंसर मिलाना है लॉग 5 के बराबर, तो आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1/2 लॉग 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस हाइपरबोलिक इनवर्स 2/3 को, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 2/3 को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, लॉग में परिवर्तित करने के लिए हम इस सूत्र का सहारा ले लेंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा पाई बटे 4 प्लस आयोटा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स, एक्स का काम यहां पर 2/3 कर रहा है, तो 1 प्लस 2/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस 2/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, तो ये पाई बटे 4 तो आपको ये आ गया, और ये आई की और 1/2 की मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं आई अपॉन 2 या आयोटा अपॉन 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 2/3 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 3 माइनस 2/3 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा पाई बटे 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू लॉग 5/1, और डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो प्राय उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे, 5/4 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू लॉग 5। इस प्रकार से हमने सूत्रों का सहारा लेते हुए LHS से चलते हुए नियमों के अनुसार LHS का जो आपको व्यंजक दिया हुआ था, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसमें परिवर्तित कर दिया, जो हमें RHS में आंसर मिलाना था। इस प्रकार से ये हमारा प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाता है। अब लास्ट में हम लिख देंगे बराबर RHS क्यूब। क्लियर। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी। आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, उनका प्रयोग मालूम होना चाहिए, और उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि सूत्र को आप प्रयोग कहां पर करेंगे। आपकी प्रॉब्लम पूरी होती है, आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए, अगली बार मैं आपको कोई नया प्रश्न समझाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।